नमस्कार, स्वागत है आपका IDP24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मथुरा के ब्लॉक फरह क्षेत्र के गांव आंवला सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्रामीण आज डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वह हर बार डीएम से लेकर DPRO, CDO, तहसील दिवस ब्लॉक में सभी जगह 1.5 महीने से शिकायत कर रहे हैं, परंतु आज तक उनकी शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। 33 एफिडेविट सहित साक्ष्य लेकर आए ग्रामीण जयप्रकाश ने बताया कि ग्राम प्रधान गांव में खुलेआम शौचालय के नाम पर 1,000 रुपए लेता है और जो व्यक्ति 1,000 रुपए नहीं देता उसका शौचालय नहीं बनवाता, और तो और आवास के नाम पर भी 50,000 रुपए की मांग करता है। एक व्यक्ति ने 20,000 दे भी दिए, परंतु ग्राम प्रधान ने 30,000 रुपए की और मांग की। ग्रामीण के पास 30,000 न होने पर उसकी किस्त रोक दी गई। इन सब की शिकायत करने ग्रामीण पुनः डीएम कार्यालय गए, परंतु आज तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसे आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि यदि अब भी प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट की शरण लेंगे या फिर रोड जाम करेंगे व धरना प्रदर्शन करेंगे। समस्या लेकर के आया था प्रधान के खिलाफ सदस्य, और आज तक कोई खुली मीटिंग नहीं हुई, कोई आज तक सदस्यों को पूछा नहीं। जितने भी कार्य होते हैं, और सुरेश चंद सेक्रेटरी और सचिव वो प्रधान गांव का, और अपने डुप्लीकेट साइन करा के पूरा कार्य पैसा निकाल लेता है, और शौचालय के नाम पे 1,000 रुपये खाए, आवास के नाम पे 20,000 रुपये लेकर के 50,000 रुपये तक की मांग है। कोई आज तक विकास नहीं हुआ, और मैं 1.5 महीने से घूम रहा हूँ। आज तक DM साहब और DPRO, CDO साहब और SDM साहब को कम से 50 बार एप्लीकेशन दिया, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि अधिकारी इन ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान करते हैं कि नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज में, और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।